हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना बैंकिंग कंपनीज में आज अपन करेंगे यूनिट नंबर 5 का इलस्ट्रेशन नंबर 3। ठीक है, इससे पहले उम्मीद है आप लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट फॉलो करना। अच्छा, अब जल्दी से कॉपी और पेन निकालते हैं एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3 को भी आसान बनाते हैं। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 को पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, एज ऑन 31 मार्च 2022। तो हमें किस ईयर की अकाउंटिंग करनी है? 31 मार्च 2022 की। ठीक है ना, बिल डिस्काउंटेड। तो इस साल, इस ईयर हमने कितना बिल डिस्काउंट किया है? देखो, 137,500। ठीक है ना, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट। ठीक है, रिबेट वर्ड आ गया। ठीक है, लेकिन उसके बाद का आपको ईयर भी देखना है, ये कब का रिबेट है। तो ये लास्ट ईयर का रिबेट था, यानी कि लास्ट ईयर की ये इनकम नहीं थी, लास्ट ईयर की ये इनकम नहीं थी, तो इस साल की इनकम होगी। ठीक है ना, ओके। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब देखो ये अपन ने इतना सारा बिल डिस्काउंट किया है ना, 137,500, इस पर हमें जो डिस्काउंट, जो हमें इनकम हुई है वो कितनी हुई है? 10,56,650। ठीक है, इतनी हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है। क्या हुआ? रिसीव्ड हुई है, हमें इतना पैसा मिला है। लेकिन इस पैसे में से कितना इस साल का है और कितना नेक्स्ट ईयर का है वो हमें पता करना है। अच्छा बताओ, जो इस साल का होता है, इस डिस्काउंट रिसीव में से जो इस साल का होगा वो कहाँ जाएगा? P&L अकाउंट में। और जो नेक्स्ट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर का होगा वो कहाँ जाएगा? रिबेट में। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ बिल डिस्काउंटेड आर एस फॉलोज। अब देखो, ये जो अपन ने 137,500 का बिल डिस्काउंट किया है ना, इसके पूरी डिटेल दे रखी है कि बिल कितने कितने अमाउंट के थे, उसी को टुकड़ों में कर दिया बस। ठीक है ना, तो 18,25,000 का जो बिल था उसकी ड्यू डेट ये थी और रेट ऑफ डिस्काउंट ये। 50 लाख का जो हमने बिल डिस्काउंट किया था उसकी ड्यू डेट ये है और उसका डिस्काउंट रेट ये। फिर इसी तरीके से ड्यू डेट, डिस्काउंट रेट, फिर अगेन यही अमाउंट, ड्यू डेट, डिस्काउंट रेट। हमें करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो क्या है। कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2022 एंड गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। यानी हमें दो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। पहले हमें इस साल की रिबेट ढूंढनी है। इस साल की रिबेट का मतलब है जो इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ये हमें कैलकुलेट करना है। एंड नेक्स्ट हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। चलो अपनी कॉपी में लिख लो इलस्ट्रेशन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, अब इसमें अपन ने एक फॉर्मेट क्रिएट कर दिया है जिसमें हम अमाउंट लिखेंगे, उसकी डिस्काउंट रेट लिखेंगे, ड्यू डेट कब की है, नंबर ऑफ डेट आफ्टर 31 मार्च। देखो इसका क्या मतलब है, हमारा ये ईयर है तो 31 मार्च 2022 हमें रिबेट कैलकुलेट करनी है। रिबेट का मतलब होता है जो इस साल की इनकम नहीं है, यानी कि जो 31 मार्च के बाद की इनकम है। ठीक है, तो हम ये करेंगे कैलकुलेट कि 31 मार्च के बाद कितने दिन हैं। तो वही हमने यहाँ पर करा है, नंबर ऑफ डेज आफ्टर 31 मार्च। उसके बाद हम कैलकुलेशन कर देंगे यहाँ पर और फाइनली यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब एक एक करके आप मॉड्यूल से मुझे देख देख के बताते जाइएगा। सबसे पहले कितना है, पहला बिल है 18,25,000। 18,25,000, ठीक है, रेट ऑफ डिस्काउंट है 12%, ड्यू डेट है 5 जून 2022, नंबर ऑफ डेज। अब ये बताओ 31 मार्च के बाद 5 जून तक कितने डेज आते हैं? तो 31 मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल,
अप्रैल, फिर मई, फिर जून। जून में कितने आते हैं? जून में है 5। तो देखो कितने हो गए, 61 और 5, 66। ठीक है, अब कितने डेज होंगे 66 डेज 31 मार्च के बाद? तब देखो अमाउंट क्या था हमारा, 18,25,000। यहाँ पर अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना था, 12% इनटू, हमें डेज के लिए निकालना है तो 66 डिवाइड बाय 365। ठीक है, सिर्फ 31 मार्च के बाद का और 5 जून तक इतना निकालना है, 31 मार्च के बाद और 5 जून तक। तो वो आ गए 66 डेज। फटाफट कैलकुलेट कर लो, 18,25,000 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइड बाई 365, ये आ गया 39,600। कितना आ गया, 39,600। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये अपन ने पहला कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट मुझे देख के बताओ कितना है। नेक्स्ट है 50 लाख का, इसकी रेट ऑफ डिस्काउंट देख के बताओ, 12%। और इसकी ड्यू डेट क्या है बिल की, 12th जून 2022। ठीक है ना, अब 12th जून तक हमें देखने हैं कितने दिन हो गए। तो 31 मार्च के बाद देखो, सबसे पहले अप्रैल, मई और जून में कितने आएंगे, 12। तो 61 तो यही हो गए, ठीक है, 12 और मिला लो, ये हो गए 73। ठीक है, 73 डेज आएंगे 31 मार्च के बाद। तो अमाउंट कितना था, 50 लाख, परसेंट कितना है, 12%, और डेज कितने हैं, 73 डिवाइड बाय 365। अब कैलकुलेट कर दो बस, 50 लाख इंटू 12% इंटू 73 डिवाइड बाय 365, यह आ गया 1,20,000। 1,20,000। अब नेक्स्ट बिल की मुझे बताओ कितना अमाउंट है, 50 लाख के बाद था 28,20,000, तो ये आ गया 28,20,000। ठीक है ना, इसकी रेट ऑफ डिस्काउंट कितनी है, इसकी रेट ऑफ डिस्काउंट चेंज है, याद रखना, ऐसे नहीं आप 12 12 12 12 करते जाओ, 14% है, देखते भी जाना है। और इसका ड्यू डेट है आपका 25th जून 2022। ओके, 25th जून। अब अपन को फिर से देखना है 31 मार्च के बाद कितने दिन हैं। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून में कितने हैं, 25। तो अगेन 61 तो ये हो गए, 25 ये हो गए 86 डेज। ठीक है ना, अब कर दें, अमाउंट है 28,20,000, रेट ऑफ डिस्काउंट है 14% इनटू डेज कितने का निकालना है हमें, 86,365। कैलकुलेट करते हैं, 28,20,000, 14% 86 डिवाइड बाय 365, 93021, 93,021 हो गया। बस लास्ट और 40,60,000। नेक्स्ट बिल है 40,60,000, इसकी रेट ऑफ डिस्काउंट है 16% और ड्यू डेट कितना है, 6th जुलाई। जुलाई है, जून नहीं है, ठीक है, ओके, जुलाई तक के निकाल लें। तो 31 मार्च के बाद मुझे बताओ, अप्रैल, मई, जून का भी पूरा और जुलाई के सिर्फ 6 दिन, तो ये हो गए 3,3,3,91, तो यही हो गए 6,97। अमाउंट था 40,60,000 इंटू 16% इंटू डेज कितने हैं, 97 डिवाइड बाय 365। ठीक है, फटाफट इसको भी कैलकुलेट करते हैं, 40,60,000 इंटू 16% इंटू 97 डिवाइड बाय 365, यह आ गया 172633
1,72,633 तो ये हर बिल की हमने रिबेट कैलकुलेट कर ली है। अब अपन टोटल रिबेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 39,600, 1,20,000, 93,021 प्लस 1,72,633 ये आ गई 425,254। वाह कितना अच्छा है, 425,254। ओके हो गया, अभी नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट उन्होंने बोली थी कंप्यूटेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। तो अपन ने क्या किया, एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार कर लिया जिसमें हमने अमाउंट, उसका ड्यू रेट ऑफ डिस्काउंट, उसकी ड्यू डेट। अब ड्यू डेट हमें पता चल गई तो हमने क्या किया, 31 मार्च से लेके उस ड्यू डेट तक दिन निकाल लिए। दिन कितने थे, 66, 73, 86, 97, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कि अमाउंट कितने का था, उस पर डिस्काउंट कितना था। तो ये डिस्काउंट पूरा निकल आया, इसमें से हमने डिस्काउंट कितना, सिर्फ 31 मार्च के बाद का डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 66/365 करके। अब ये डिस्काउंट कितना निकला है, सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डिस्काउंट, यानी कि इस साल ये कहा जाएगा रिबेट में। तो ये पूरा हो चुका है हमारा, उम्मीद है आप लोगों ने भी कर लिया। अब अपन को नेक्स्ट करनी है इसकी रिक्वायरमेंट, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहले लिखो किसकी बुक्स में बना रहे हैं, इन दी बुक्स ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड। क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का सिंपल से फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री अपन कौन सी बनाएंगे, सबसे पहले एंट्री बनाएंगे जो लास्ट ईयर रिबेट में था, जो लास्ट ईयर रिबेट में था। तो वो लास्ट ईयर की इनकम तो थी नहीं, इस साल की इनकम थी, तो सबसे पहले उसको उठा लाएंगे। ठीक है, तो उठा लाए उसे, कहाँ से उठा के लाना, रिबेट से। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट टू, इस साल की इनकम में डाल दें, तो इस साल किस में डाल दें उसे, डिस्काउंट ऑन बिल्स में, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। कितना था, तो लास्ट ईयर की रिबेट ये दे रखी है हमें 221,600। ठीक है, तो इसको उठा के हम इस साल की इनकम में डाल देंगे, कितनी थी 221,600। ठीक है, साथ साथ मेरे साथ साथ नरेशन भी बनाते जाओ, बीइंग ट्रांसफर्ड ऑफ, क्या ट्रांसफर किया है हमने, रिबेट को किया है डिस्काउंट में, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू, किस में कर दिया, डिस्काउंट ऑन बिल्स में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ये तो हो गई कि जो लास्ट ईयर रिबेट में था इस साल की इनकम बन गई। अब इस साल की इनकम को अपन को क्या करना है, दो जगह बाइफरगेट करते हैं, जो इस साल की इनकम होती है उसे पी एंड एल अकाउंट में, और जो इस साल की इनकम नहीं होती है उसे कहाँ डालते हैं, बोलो बोलो बोलो, रिबेट में, उसे कहाँ डालते हैं, रिबेट में, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है 425,254। ये इस साल की इनकम नहीं है ना, क्या है ये, इस साल की रिबेट है, इसे रिबेट में डाल देते हैं। तो इसको इनकम से निकाल के किसे डाल देते हैं, रिबेट में, डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट, कहाँ डालना है, टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। कितना था अमाउंट, तो बहुत बढ़िया था 425,254। ठीक है, इसका भी नरेशन बनाओ, बीइंग अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जो इस साल का नहीं है वो हमने कहाँ डाल दिया, रिबेट में, बीइंग अनएक्सपायर्ड पोर्शन ट्रांसफर टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, दो एंट्री कंप्लीट, अब लास्ट बस थ्री एंट्री। तो पिछली साल की इनकम इस साल आ गई, इस साल की जो इनकम नहीं थी वो रिबेट में चली गई,
अब इस साल की सारी इनकम हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलो वो भी बना लेते हैं। तो इस साल की इनकम कहाँ डाली है? P&L अकाउंट में। डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना अमाउंट आएगा तो पहले अपन नरेशन बना लेते हैं, उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, तो देखो इस साल कितना अमाउंट आएगा। ये सारी की सारी इनकम जो लास्ट ईयर की नहीं थी तो इस साल की इनकम होगी, तो ये भी P&L अकाउंट में जाएगी। तो 221,600 ये इनकम में जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। इस साल हमें डिस्काउंट कितना मिला है? तो इस साल हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है 10,56,650। ये रही रही 10,56,650। अरे 10,56,650, ठीक है ना। अब ये हमें मिला है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसमें कुछ ऐसा पोर्शन है जो इस साल का नहीं है, वो पोर्शन अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। ये रहा 425,254, उसे अपन लेस कर देंगे, ठीक है। ये टोटल हमें डिस्काउंट इस साल मिला था, लेकिन इसमें से ये वाला अमाउंट इस साल का नहीं था, इसलिए हमने उसको लेस कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो, 221,600 प्लस 10,56,650 माइनस 4,25,25,4, ये आ गया 852,996। तो इसे अपन P&L अकाउंट में डाल देंगे। कितना है? 852,996। हो गया खत्म। समझ में आ गया? सबसे पहले जो लास्ट ईयर की इनकम थी वो इस साल की इनकम में ट्रांसफ़र कर दी, फिर जो इस साल की इनकम नहीं थी वो रिबेट में ट्रांसफ़र कर दी, और जो इस साल की इनकम है वो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। और P&L अकाउंट को अपन ने कैसे कैलकुलेट किया, चाहे तो इसका आप अलग से वर्किंग नोट शो भी कर सकते हो एग्ज़ाम टाइम में अभी से, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें। इसमें लिख देना जो रिबेट एंड बिल डिस्काउंट है जो लास्ट ईयर का था वो हमने इस साल लिख दिया, ठीक है। इस साल पूरा का पूरा डिस्काउंट रिसीव्ड इतना था, लेकिन उसमें से जो इस साल का डिस्काउंट में रिसीव तो हो गया था पर इस साल की इनकम नहीं थी वो कितना था? अनएक्सपायर्ड पोर्शन आपका 425,254, इसलिए अपन ने उसे लेस कर दिया। तो हमारी दोनों रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की कंप्लीट हो चुकी है। पहली थी कैलकुलेशन ऑफ रिबेट और दूसरी थी जनरल एंट्री। उम्मीद है आपको दोनों की दोनों अच्छे से समझ में आई हो। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ़ इट डिजर्व्स, एंड या सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, डू इट नाउ। एंड इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज़।